हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द फॉलोइंग केसेस. तो लेट्स डिस्कस केस नंबर 1. इन फर्स्ट केस दिस ब्लॉक इज गिवन. इफ यू विल ड्रॉ द FBD, वन फोर्स इज टेंशन व्हिच इज ऑलरेडी अलोंग पैरेलल टू द प्लेन. अंदर फोर्सेस नॉर्मल जो कि बच्चे हम परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाएंगे. हमेशा जो सरफेस इन कांटेक्ट रहती है उनकी परपेंडिकुलर, मतलब अपने आप ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा. और तीसरा फोर्स हमने बना दिया इस पे mg. इतना कंफर्टेबल है. अब हमें क्वेश्चन में बोला है ऑल द फोर्सेस अलोंग पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मतलब अगर मैं पैरेलल टू द प्लेन को मैं ये बोल दूं कि ये भाई x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन को बोल दूं भाई ये y एक्सिस है, कंफर्टेबल है. तो सारे के सारे फोर्सेस या तो x एक्सिस के अलोंग हो या y एक्सिस के अलोंग है. तो हमने टेंशन को घूरा तो देखा टेंशन अच्छा पहले से ही x एक्सिस के अलोंग है. नॉर्मल देखा अच्छा पहले से ही y एक्सिस के अलोंग है. तो इनके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये पहले से ही आइदर पैरेलल टू द प्लेन है और आइदर परपेंडिकुलर. लेकिन जैसे ही बच्चे मैंने mg के फोर्स को देखा तो मेरे को देखा कि यार ये ना ही पैरेलल अलोंग द पैरेलल टू द प्लेन है और ना ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो इसके फोर्सेस को रिजॉल्व करने की या इन फोर्स को के कंपोनेंट करने की जरूरत आएगी. ये एंगल थीटा तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा. अब अगर बच्चे मैं इसका कंपोनेंट लिखता हूं इस लॉजिक से तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg cos थीटा. और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट करना आप सीख ही चुके हैं, कितना आ जाएगा mg sin. तो अगर मैं अब इसकी FVD बनाऊं तो देखो फाइनल आंसर में टेंशन अलोंग द प्लेन है, mg sin थीटा अलोंग द प्लेन है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और mg cos थीटा भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो जो भी फोर्सेस थे उनको हमने रिजॉल्व करके आइदर पैरेलल टू द प्लेन कर दिया और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कर दिया. अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के केस 2 की. इसमें ये ब्लॉक है. अगर मैं FVD बनाऊं सिंपली तो सबसे पहले मेरे को एक नॉर्मल फोर्स दिखेगा और दूसरा बच्चे ये एक mg का फोर्स दिखेगा. अगेन बच्चे वही कहानी, मैं देखूंगा नॉर्मल. नॉर्मल तो पहले से ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब इसके कंपोनेंट्स करने की जरूरत नहीं है. लेकिन mg जो है वो ना ही पैरेलल टू द प्लेन है ना ही परपेंडिकुलर टू द. सिमिलरली बच्चे यही एंगल थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बी एंगल थीटा. तो ये वाले कंपोनेंट की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चे mg cos थीटा. थीटा साथ में है तो mg cos थीटा. और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चे mg sin थीटा. तो mg sin थीटा को कह सकते हैं कि पैरेलल टू द प्लेन आया और mg cos थीटा को कह सकता हूं मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन आया. तो इसके FVD बनाएंगे. फाइनल आंसर देखिए, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, mg sin थीटा पैरेलल टू द प्लेन है, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द, कंफर्टेबल है. अब मैं बात करता हूं थर्ड पार्ट की. इसमें समझना बच्चे m1 m2 ये दो ब्लॉक है. ये इसकी मैं FVD बनाता हूं. मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, यहां पे जगह थोड़ी कम है. तो अपने को जो सिचुएशन दे रखी है बच्चे, ये एंगल बच्चे थीटा 2 दे रखा है, ये एंगल थीटा 1 दे रखा है, ये ब्लॉक आपको m1 दे रखा है, यहां पे बच्चे आपको पुली दे रखी है, ये m2 दे रखा है. हमें m1 m2 दोनों की FVD बनानी. सबसे पहले बच्चे शुरुआत मैं करता हूं m1 से. m1 में बनाऊंगा तो सबसे पहले एक तो नॉर्मल बनेगा, n1 बोल दिया, ये एक टेंशन t आएगी और एक ये इसका फोर्स m1g आएगा. सिमिलरली अगर m2g की बात करूं तो यहां पे भी एक नॉर्मल आएगा n2, ये एक टेंशन आएगी और ये एक टेंशन वेट आएगा इसका m2. हम देखिए ये पहले से ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है.
ये वाला फोर्स पहले से ही पैरेलल टू द प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फोर्स भी पहले से ही पैरेलल टू द प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बच्चे जो मेरे को रिजोल्व करना है वो इस M1G और M2G को ही करना है, बिकॉज ये ना तो पैरेलल टू द प्लेन है ना ही परपेंडिकुलर। अभी जैसे सिखाया तो सेम लॉजिक से ये एंगल वापस से थीटा टू आ जाएगा, ये थीटा टू आ जाएगा, तो बच्चे M2G M1G का जो ये कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, M1G cos of theta 2। और इसका जो पैरेलल टू द प्लेन कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, M1G sin of theta। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे इस एंगल के, ये थीटा वन तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा वन, तो ये एंगल थीटा वन। तो यहां पे जो इसका अलोंग दिस कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, M2G cos of थीटा वन। और ये जो कंपोनेंट आएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, M2G sin of थीटा वन। कंफर्टेबल है? तो इस तरीके से हमने देखा, पहले से हमने देखा कि नॉर्मल से कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से ही आइदर परपेंडिकुलर है और आइदर पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और परपेंडिकुलर। सिर्फ रिजॉल्व किसको करना पड़ा, M1G को और M2G को। इस तरह से अपनी फाइनल FPD देखते हैं भैया सॉल्यूशन। तो आंसर की देखिए, टेंशन इधर, M1G sin theta 2 इधर, नॉर्मल इधर, इन्होंने एक फोर्स नहीं बनाया, मैं उसमें बना दे रहा आंसर की में, वो कितना आ जाएगा, M1G cos of theta 2। सिमिलरली यहां पे भी कितना आ जाएगा एक फोर्स, M2G cos of theta 1। बाकी M2G sin theta 1 इधर रहेगा, नॉर्मल इधर रहेगा, टेंशन इधर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंफर्टेबल है बच्चे ऑप्शन 3 से? दिस इज द फाइनल आंसर, इस तरह से हमें रिजॉल्व करना है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फोर्थ में इस कैपिटल M की भी FVD बनाएंगे और इस स्मॉल M की भी FVD बनाएंगे। समझना बच्चे, सबसे पहले कैपिटल एम की मैं यहीं पे बना देता हूँ। कैपिटल एम की अगर मैं एफवीडी बनाऊं तो एक तो नॉर्मल यहां से मिलेगा, एक नॉर्मल ये भी देगा इधर एन डैश, इसको एन वन बोल दिया और ये एन डैश, और साथ में एक इसका क्या आ जाएगा बच्चे, कैपिटल एम जी। तो बच्चे अगर मैं इसके फोर्सेस को रिजोल्व करूं तो मैं देखूंगा एन डैश पहले से ही पैरेलल टू द प्लेन है, ये पहले से ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। कहानी जिससे की रुकी हुई है वो इस एम कैपिटल एम जी की, ये एंगल थीटा, तो ये 90, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, वापस से सेम वही कहानी। तो ये कैपिटल, ये क्या आ जाएगा, कैपिटल एम जी कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला इसके अलावा एक फोर्स और आएगा, ये हो जाएगा कैपिटल एम जी साइन ऑफ थीटा। तो अगर कैपिटल एम की एफवीडी देखो तो देखो बच्चे, ये एक एन डैश जो इन्होंने एन से डिफाइन किया है, इसको मैंने जैसे अगर एन डैश बनाया तो एन डैश, नीचे वाले फ्लोर से एक एन वन मिल रहा है, बिल्कुल सही बात, अपना एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा आया, बिल्कुल सही बात, और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन में एक एम जी कॉस थीटा रिजॉल्व है। तो कंफर्टेबल है इस कैपिटल एम की एफवीडी से? इसी तरह बच्चे मैं यहाँ पे स्मॉल एम की भी एफवीडी बना दे रहा भाई। स्मॉल एम की बात करूं, अगर स्मॉल एम कैपिटल एम पे ये एन डैश का नॉर्मल लगा रहा था तो सेम फोर्स जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा वो कैपिटल एम स्मॉल एम पे यही एन डैश इधर लगाएगा। एक यहां से, जहां से कांटेक्ट में, यहां से एक नॉर्मल आएगा, उसको एन टू बोल दिया, और तीसरा वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी जो धरती माता इस पे लगा रही होगी वो तो लगाएंगी। कंफर्टेबल है? अब बच्चे बात करते हैं, ये एंगल थीटा था तो ऑब्वियस ही बात है फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो इसके कंपोनेंट कर दूंगा, कई बार कर चुके हैं, ये एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, और अलोंग द प्लेन वाला कंपोनेंट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा एम जी साइन थीटा। सभी भारतीय कंफर्टेबल हैं इससे? चलिए तो इसको अगर मैं देखूं तो इसका फाइनल आंसर स्मॉल की दिखे, एक नॉर्मल एन डैश ऊपर लग रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, एन टू ऊपर लग रहा है, एम जी कॉस थीटा इधर लग रहा है, सारे के सारे फोर्सेस आइदर पैरेलल टू द प्लेन है और आइदर परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। कंफर्टेबल है? यही करने को कहा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट
हो चुके। कंफर्टेबल है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। आपसे वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में कमेंट करने को बोला था। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। ए ऑप्शन दे रखा है, आपको सही अल्टरनेटिव चूज करना है। ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स 5 न्यूटन फोर्स एंड 7 न्यूटन फोर्स का कौन कौन से फोर्सेस रिजल्टेंट नहीं हो सकते, इस बात को हमें देखना है। तो बच्चे 5 न्यूटन दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। इनका रिजल्टेंट जो हम देखेंगे फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर बच्चे मैं बात करूं, तो क्या मेरे को लगता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जब कोलिनियर हो गए तो ही हमें जो इनका रिजल्टेंट की लेंथ मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी, और उस केस में जो ए मैक्स होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है। तो 5 और 7 की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है, 12। और फॉर मिनिमम, अगर मिनिमम की केस की बात करें तो ये दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, आपस में कोलिनियर तो हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये तुम्हारा ए वेक्टर नीचे वाला, ऊपर वाला बी वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो सिर्फ इतना सा आएगा, तो ये 7 था वो 5 था, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आया आपका, 7 - 5। मतलब मिनिमम वैल्यू 2 मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 12 मिल सकती है, 2 और 12 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल थीटा ए और बी के बीच में कितना है उस पे बाकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब 2 से छोटी नहीं होगी, 12 से बड़ी नहीं होगी। तो 2 पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, लेकिन 14 पॉसिबल नहीं है। तो हमसे पूछा कैन नॉट बी रिजल्टेंट, इसलिए अपना आंसर क्या जाएगा बच्चे, 14 न्यूटन। कंफर्टेबल है? Now let's discuss question number 4. Two forces, each numerically equals to 5 newton, are acting as shown. The resultant is. आपसे दो forces ऐसे रखे हैं और आपसे पूछा है कि इसका resultant क्या? तो समझना बच्चे, ये भी 5 newton, ये भी 5 newton और ये angle क्या बन रहा है बच्चे, 60 degree. Resultant की अगर अपन बात करें तो triangle law of जो vector addition का, क्या चीज़ बच्चे, triangle law of vector addition. जब भी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ा है तो हमें कौन सा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है। तो हमने जैसे ही ज्वाइन किया तो ये एक अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा। कंफर्टेबल है? अब थोड़ी सी अगर बेसिक सी ज्योमेट्री लगाऊं तो बच्ची ये साइड भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है मतलब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब हमें पता चल गया कि सम ऑफ ऑल द एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहां से सॉल्व किया तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 120, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब सारे एंगल 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये साइड भी कितनी हो जाएगी, 5 की है, मतलब आपको डायरेक्टली आंसर आ गया 5। दूसरा तरीका क्या है, रिजल्टेंट के फॉर्मूले से। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने भैया, एक रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब सबसे बड़ी गलती जो इस क्वेश्चन में देख करते हैं बच्चे, वो थीटा की वैल्यू पुट करते वक्त करते हैं, उनके हिसाब से जो एंगल दे दिया वही एंगल है। यहां पे अगर बच्चे इस केस में मैं बात करूं तो ये जो 60 डिग्री दिया है ये एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं है, बिकॉज ध्यान से देखो बच्चे ये कैसे ज्वाइन है, हेड टू टेल। और जब भी हेड टू टेल ज्वाइंड होते हैं तो एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर कैसे देखते हैं, एक्सटेंडेड लाइन से। ये एक्सटेंडेड लाइन करी और एक्सटेंडेड लाइन से जो दूसरा वैक्टर उसकी तरफ जो एंगल आया वो क्या हो जाता है, अपना एंगल बिटवीन वैक्टर, जी आपको बात बताई भी जा चुकी। तो ये वाले फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 120 डिग्री। ए और बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5।
तो ये आ जाएगा रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री कितना होता है? माइनस का हाफ। पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू माइनस का हाफ। कट गया तो माइनस इससे ये निपट गया तो कितना आ गया 5। कैसे भी कर लो आंसर कितना आएगा 5। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लें। हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ वेक्टर में ज्योमेट्री के थ्रू करने का, क्योंकि उससे थोड़ा फास्ट हो जाते हैं और अपनी एनालिटिकल सोचने की एबिलिटी भी बढ़ती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वाई एक्सिस हैज एन एक्स कंपोनेंट ऑफ 10 यूनिट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ। ये एंगल 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो क्या बच्चे डी, और ये एंगल 30 है तो क्या डी साइन 30 डिग्री आएगा, और इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। साइन 30 की वैल्यू भारत में सभी को मालूम है कितनी होती है, हाफ इज इक्वल टू 10। डी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे आपके पास 20, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया। बहुत सिंपल सस्ता टिकाऊ क्वेश्चन था, कंफर्टेबल है बच्चे सभी लोग, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस इफ द इफ फॉलोइंग इन फॉलोइंग केसेस। सारे के सारे केस में हमें एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने हैं, तो यहां पे अगर बच्चे मैं सबसे पहले इस केस की बात करता हूँ, एक्स कंपोनेंट बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 cos 30 डिग्री, और यहां बात करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू भारत में कितनी चल रही है आजकल, आजकल भारत में इसकी वैल्यू चल रही है √3/2, तो ये वैल्यू आ गई 5√3, और sin 30 की वैल्यू कितनी क्या चल रही है बच्चे हाफ, तो ये आ गई 5। सिमिलरली सेकंड केस की बात करें तो 12, मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे आपको पता होगा साइन 37 होता है आपके पास 3/5, कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, टेन 37 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 3/4, तो ये आपके पास 37 डिग्री दे रखा है, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा 12 साइन 37 डिग्री, और ये थीटा के साथ वाला है तो ये कितना आ जाएगा 12 कॉस 37 डिग्री। साइन 37 मतलब बच्चे कितना हो गया आपके पास 3/5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 36/5 न्यूटन, और cos 37 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 48/5 न्यूटन, ये जो आंसर दे रहा है। पार्ट 3 की बात करते हैं, ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो देखो बच्चे ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसका जो ये कंपोनेंट आएगा, पेन चेंज कर ले रहा रेड कलर से, ये जो कंपोनेंट आएगा आपके पास 10 cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट जो आएगा वो 10 sin 30 डिग्री पे आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5। माइनस क्या बता रहा है, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, लेकिन वाई में देखोगे तो ये पॉजिटिव साइड है, और cos 30 डिग्री की मार्केट में वैल्यू चल रही है √3/2, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 5√3। कंफर्टेबल है बच्चे लोग, यहां बात करते हैं ये 5 न्यूटन y एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो अगर बच्चे मैं इसका x कंपोनेंट निकालना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, 5 cos ऑफ एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की भारत में वैल्यू कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, पूरा का पूरा कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग है, या फिर मैं लिखूं भी तो क्या लिखूंगा यहां से 5, ये एंगल 90 डिग्री है 5 sin 90 लिख दूंगा, 90 कितना था sin 90 1, तो कितना हो जाएगा 5। कंफर्टेबल है, तो ये हमने सारे के सारे वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट इस क्वेश्चन में निकाले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।